ये तेल स्वीटी का खेल खत्म कर देगा। सुपर सीक्रेट एजेंट गोल्डी तैयार है, क्या आप तैयार हो? ओवर। हाँ, मैं भी तैयार हूँ आक्रमण के लिए। ओवर। ठीक है, एक बार प्लान फिर से समझाओ। ओके। अभी स्वीटी बाहर हॉल में योगा कर रही है और फिर तेल वाली फर्श पे वो धड़ाम करके गिर जाएगी। और जैसे ही वो गिरी, यहाँ से सीधी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सीधे उनके घर। तो चलो डाल दो फर्श पे ऑयल और कर दो उसका प्लान फॉइल। आई एम वेटिंग। आराम से। कैसे गिर गई तुम? अरे मेरा पाँव फिसल गया। शायद यहाँ पर तेल गिरा हुआ था। तेल कैसे गिरा हुआ था यहाँ? अरे तेल की छोड़ो, इसे चोट आई लगती है, लगता है इसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं इसको लेके चलता हूँ हॉस्पिटल। चलो चलो। लेकर चलता हूँ मतलब छोड़ के आता हूँ ऐसे ना? अरे पहले लेके तो जाने दो, कमाल करते हो तुम रूपल। चलो 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 चलो। एक सेकंड मेरा सपोर्ट ले लो, मैं लेकर जाता हूँ। अरे क्या कर रही हो, बेचारी को दुख रहा है। छोड़ो। अरे भाई ऐसे कोई छोड़ता है? मुझे नहीं लगता मैं 2-3 महीने तक ठीक हो पाऊंगी। मैं हॉस्पिटल में अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? अरे स्वीटी तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र क्यों करती हो? डोंट वरी। परी वो तो सिर्फ दिन में, रात को कैसे मैनेज होगा? अरे तुम फिक्र मत करो, दिन रात 24 घंटा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक गॉड। गोल्डी का ये आइडिया तो वहां फ्लॉप निकला, इसमें तो स्वीटी से ज्यादा परिमल ही फिसल रहा है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोच रूपल, सो यहाँ क्यों रहे परिमल? राम राम टंडन जी। राम राम। ये आपका दूध और ये आपका बिल। ठीक है। अरे साहब बिल। बिल सुनो, तुम एफबुक पे हो? है तो। हाँ है तो, इतना दुखी हो क्यों, क्यों बोल रहे हो? क्या करें, हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई लेता ही नहीं। हम ले लेते हैं। सच्ची बताओ क्या नाम है तुम्हारा? काउबॉय गजो। एक सेकंड, धीरे धीरे। काउबॉय गजोधर। गजोधर डेरी वाला। काउबॉय गजोधर डेरी वाला। अरे भैया तुम्हारा रिक्वेस्ट तो पेंडिंग है, यहाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। अब तुम ऐसा करो गजोधर, हमारे हर फोटो को लाइक करना। अब तबेले में जितने भैया लोग हैं उनसे भी कहना कि उसको लाइक करें। ये रखो, अब बिल जो है इसका पेमेंट लाइक्स आने के बाद होगा। साहब हमारे बिल का और बुक का क्या कनेक्शन? एक तो बात बताओ, भैंसिया कौन से कलर की होती है? काली। और कौन से कलर का दूध देती है? सफेद। कनेक्शन सोचो, जब आंसर मिल जाएगा तब पैसा भी मिल जाएगा, लाइक आने के बाद। दूध। अरे सारा दिन बस लाइक करते रहते हैं। माता रानी, एक औरत होने के नाते मैंने कभी इनसे अपना असली वजन भी नहीं छुपाया, पर आज मैं उनका फोन छुपाने वाली हूँ। करूँ क्या कुछ ऐसा? जैसे हरेक हरे रंग का पंछी तोता नहीं होता, वैसे ही सही काम करने के लिए कोई भी रास्ता खोटा नहीं होता।
अच्छे काम के लिए ज्यादा सोचना नहीं होता। ओ गॉड जी, वाया सेवानंद जी, बस आपने हरी झंडी दे दी, अभी मैं टंडन साहब का फोन छुपा देती हूँ। छुपी हुई चीज ज्यादा देर तक छुपती नहीं। तो फेंक देती हूँ, कहूंगी कि खो गया। आज का डूबा हुआ सूरज कल को नया बन के वापस आ ही जाता है। सत्य वचन बाबा जी, पता चला टंडन साहब नया फोन ले आए और फिर शुरू हो गए लाइक ते कमेंट ते लाइक ते कमेंट। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने जीवन साथी पर विश्वास रखो। जीवन साथी पे तो विश्वास है बाबा जी, लेकिन लड़कियों पे नहीं है। वो क्या है ना बाबा जी, हमारे टंडन साहब है ना हैंडसम से है, पर उनके डोले शोले देख कर कहीं कोई लड़की डोल गई तो हाय रब्बा, चिंकी की नई मम्मी आ जाएगी, ओए रोज किचन में मारा मारी आऊंगी, मजा आ जाएगा। फिर हम लोग मॉल जाएंगे और वहाँ ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और पिज्जा भी खाएंगे। हाँ पिज्जा भी खाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, मेरे जितने फोटोग्राफ्स होंगे, जितनी सेल्फियां मैं लूंगा, उसपे सब मैं तुमको टैग करूंगा और तुम्हें अपने फ्रेंड्स को कहना होगा कि उसे लाइक करें। कहीं इनकी किसी पुरानी फ्रेंड ने लाइक कर लिया तो? तो फिर संडे का प्लान सेट हो गया, बिकॉज संडे मींस फंडे। कैसा फंडे? अन फैला के नागिन जैसे कोई सौतन इस घर में आ गई तो? माता रानी। हाँ हाँ खत्री भाई, नाश्ता बनाने मतलब करने ही जा रहा हूँ। आप पता चला फ्राइडे को मार्केट बहुत गिर गया था, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं? ओ हो, ये कमाल कैसे हो गया? नहीं 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 भाई आपको नहीं, आपका तो 10 लाख का नुकसान हुआ, ये जान के तो बहुत दुख हुआ। हाँ सुनो सुनो, अभी ना आपको दुख मनाने की जरूरत है, आप आराम से दुख मनाओ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मेरे ही घर में किसी और के हाथ का बना नाश्ता रेडी, कैसे हो गया ये माड़ी? मैंने बनाया है परी। वाह वाह स्वीटी वाह, तभी मैं सोचूं ये मेरी किंजल का काम हो ही नहीं सकता। किंजल नहीं रूपल, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें अपनी बीवी का नाम नहीं याद है? वो क्या है, मुझे थोड़ा याद का है ना वो। अच्छा तो फिर इतने टाइम से तुम स्वीटी का नाम कैसे नहीं भूले? वो स्वीटी नाम कितना छोटा क्यूट और इजी है, इसलिए याद रह गया। वैसे मुझे भी याद है। क्या याद है? कि परी को सुबह सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है। अल्लाह ये देखो, ये तुम्हें कैसे याद है? क्यों तुम्हें याद नहीं? पता है मनाली की टूर में जब सारे स्टूडेंट सुबह सुबह उठकर बादल देखने के लिए गए थे, तो अपना परी सुबह सुबह उठकर चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। याद आया। लेकिन मेरे लिए आए, तुम चाय बनाना भूल गए परी? अरे पण टेंटेडन, ये रही आपकी गर्मा गर्म ग्रीन टी। जो वो क्या है ना, ग्रीन टी प्लस योगा इज इक्वल टू क्विक वेट लॉस्ट। समझी? वेट लॉस्ट, वेट लॉस्ट। इटली एक्स्ट्रा वेट यू गेट लॉस। वैसे अच्छा, बैठो 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 बैठो। अरे स्वीटी बैठो, आराम से बैठो, आराम से आराम से बैठो। आ करो करो, ये देखो पोहे का पहाड़ और उसपे छोटे छोटे शिंगदाना के पेड़, क्या सुगंधिम पहाड़ है। सोच जल्दी सोच रूपल, ये स्वीटी को भगाने का आइडिया जल्दी सोच, नहीं तो आ जाओ चिंकी। लेट्स टेक अ नाइस सेल्फी। यस अरे वॉचमैन आ जाओ, हे हाँ हो जाए। मेरी फोन ले और मेरी फोन से तेरे पापा के अकाउंट में जा और जाकर उनकी एफबुक के जितने अपलोड है ना सारे डिलीट कर दे। What? मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल यार। लो कमाल है, इतनी भी सुविधा नहीं है, फिर क्या फायदा तेरे स्मार्ट फोन का 20,000 वाला, यूजलेस। तू नीतू है? ऐ देखो तुम, क्या इनको सेल्फी की पड़ी है बस। इधर आओ मैं बेटी, जल्दी इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ चिंकी। हां गिव मी नाइस स्माइल। हाय हाय, अब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, सेलिब्रेटिंग इतवार लाइक अ त्योहार, फीलिंग
फेस्टिवल। व्हाट? पापा, फेस्टिवल जैसा कोई वर्ड नहीं होता। कोई बात नहीं, मैंने बना दिया। चलो माँ बेटी अभी से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो लाइक करेंगे। एक औरत होने के नाते तो मैं कर दूंगी जी, पर एक बीवी होने के नाते बड़ी फिक्र होती है। मतलब ये क्या हो गया है आपको, 24 घंटे बस वो फेसबुक पे वो कमेंट वो लाइक के पीछे ही पड़े रहते हो। भाई पहले हम पड़ोसियों से दूध मांगते थे, शक्कर मांगते थे, घी मांगते थे, आजकल लाइक मांगते हैं। देख लेना शाम तक जरूर 500 लाइक्स आ जाएंगे और मैं गोल्डी से शर्त जीत जाऊंगा। हो गया पापा, कमान कमान चलो गाड़ी गाड़ी में फेस्टिवल। प्रफुल भाई एक टॉप क्लास टिप है, कल बाजार खुलते ही मुर्गी फार्म तुरंत खरीद लेना। अरे वाह, मेरे शेयर मार्केट के शेरू। थैंक यू। दो तीन टिप्स मुझे भी दो ना, मुझे भी करोड़पति बनना है। अरे तुम्हें टिप की क्या जरूरत है, तुम किसी करोड़पति से शादी कर लो, फिर उसको मेरे पास भेज देना, मैं उसको टिप दे दूंगा। अच्छा है ना आइडिया? You're so funny. वो तो है। वैसे your wife is very lucky, I'm very lucky. हाँ, लेकिन इस बात का विरल को तो आइडिया ही नहीं है। रूपल। हाँ वही वही वही। आइडिया, आइडिया से आइडिया आया। क्या क्या? जिस तरह से अचानक हम दोनों मिले, क्यों नहीं अचानक से हम अपने दोस्तों को कॉल करके यहाँ बुलाएं, उनके साथ पार्टी करें। वाह, क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये परिमल है ना, वो पार्टी है जो हर पार्टी के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। ओके डन, तो एक काम करते, उन्हें यहीं बुला लेते हैं तुम्हारे घर पे। 40-50 लोग आएंगे मैक्स। 40-50 लोग? बापरे, फालतू में बहुत खर्चा हो जाएगा। आइडिया, हम ना सिर्फ 5 लोगों को बुलाएंगे। सिर्फ 5? क्यों? तुम समझी नहीं, हर वीकेंड पे हम सिर्फ 5 दोस्तों से मिलेंगे, इसी बहाने हर वीकेंड पे हमारी मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीकेंड पे तुम्हारे घर पे पार्टी, उसके नेक्स्ट वीकेंड पे तुम्हारे घर पे, नहीं किसी और के घर पे। सब दोस्तों को चांस मिलना चाहिए कि नहीं? ओके डन। तो खाने का मेनू है बिरयानी, 2 तरह की सब्जी, 1 स्टार्टर और 1 चॉकलेट ब्राउनी, दैट्स इट। सॉलिड खर्चा हो जाएगा। आइडिया, हम ना थीम पार्टी रखेंगे, वेट लॉस पार्टी। तुम्हारा वो डाइट का मेन्यू क्या था? ग्रीन टी एंड सैलेड। सुपर सुपर आइडिया, यही रखेंगे। ओएमजी, ऐसे तो मेरी ट्रेनिंग की पब्लिसिटी हो जाएगी। है ना, है ना आइडिया, है ना, ये सुबह सुबह है ना ऐसे आइडिया निकलते है ना। क्या आइडिया है, जरा मुझे भी तो सुनाओ। अरे वो क्या है कि मैंने और स्वीटी ने ये डिसाइड किया है कि हमारे सारे कॉलेज फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। मतलब सबके लिए खाना मुझे बनाना पड़ेगा? अरे बापरे। नहीं नहीं नहीं, मतलब हमने ना थीम पार्टी का सोचा है, सैलड और ग्रीन टी की वेट लॉस पार्टी, पार्टी करेंगे। तो फिर तो फ्रेंड्स से पार्टी में योगा ही करा लेना। वाह वाह, क्या टॉप क्लास सोचे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ स्वीटी, क्या हुआ? रूपल रूपल, सॉरी सॉरी, एक मिनट। 40-50 लोग में से 5 सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसकी लिस्ट बनाते हैं। चलो चलो चलो, बुलाएंगे बुलाएंगे। एक तो ये स्वीटी मेरे घर में रहने चली आई और अब मेरे ही घर में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करेगी। कबीर, रॉकस्टार कबीर, स्वीटी का पुराना बॉयफ्रेंड, अब देखना मजा। यहां से होगी कबीर की एंट्री और वहां से होगी स्वीटी की एग्जिट। गोल्डी गोल्डी। कुलकर्णी, जब जब मुझे परेशान करेगा या गलत फाइंड देगा ना, तो सोसाइटी से एक एक बल्ब गायब होता जाएगा। ये 100 साल जिएंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे। हेलो गोल्डी शर्मा, कहाँ हो तुम? कहीं पर भी रहूं, आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं और तुम भाड़ोत्री। जवाब दो, वरना प्रेसिडेंट को जवाब न देने के जुर्म में 500 रुपए फाइन लगाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मैं घर पे ही हूँ। वही पर रुको, मैं आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं। ये बल्ब छुपाना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ मुझे देखेंगे तो बिल्डिंग से निकाल देंगे। क्या करूं? गोल्डी, सुन ना गोल्डी, अरे बाप रे, इतने सारे बम्स कहाँ से आए? सोसाइटी के पार्किंग लॉट से। तो सोसाइटी के बम्स चुराता है? चुराता नहीं हूँ मैं। तो
बदला लेता हूँ। जब भी कुलकर्णी मुझे परेशान करता है या गलत तरीके से फाइन लेता है तो सोसाइटी का एक बल्ब। वेरी बैड गोल्डी, वेरी बैड। कब सुधरेगा तू? अब दो बल्ब सिर्फ बाथरूम में लगा देना। लेकिन इसको छुपाने दो, कुलकर्णी जी आ रहे हैं। नहीं, 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 सुन, सुन, सुन। वो स्वीटी को भगाने का ना मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। क्या? मैंने जो आपको आइडिया दिया था वो तो कैंसिल कर दिया आपने। चुप रे, कितना रिस्की आइडिया दिया था, अब मेरा आइडिया सुन। जल्दी बोलो। स्वीटी और परमल ने ना अपने कॉलेज फ्रेंड्स को मेरे घर पे बुलाकर रियूनियन पार्टी रखी। पार्टी छोड़, सुन नो। तो मैंने स्वीटी के एक्स बॉयफ्रेंड कबीर को बुलाया है पार्टी में। एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ। तो अरे स्वीटी उसे एक सेकंड भी झेल नहीं सकती। अब देखना तू मजा, यहाँ से कबीर की एंट्री होगी और यहाँ से स्वीटी की एग्जिट। कैसा लगा, कैसा लगा? सुपर्ब। पार्टी में खाना तो बाहर से आएगा ना, तो कब आना है? कॉलेज की रियूनियन पार्टी है, तू मत आना। और सुन, दो बल मेरे बाथरूम के लिए बोलना मत, नहीं तो कुलकर्णी जी को मैं सब कुछ बता दूंगी। अरे चलो, बहुत सारा काम है। कैसे सेल्फिश? अरे कुलकर्णी जी, हाँ बोलिए, अंदर ही है। थोड़े क्या है, अरे इंसानों की तरह रहा कर, क्या है? सिंक का नाला अभी तक ठीक नहीं किया है? सोसाइटी का पानी का वेस्टेज होता है, सेंसलेस। डोंट वेस्ट वाटर। 500 रुपया फाइन। रेडी है? बस हो जा। नेक्स्ट टाइम ठीक नहीं किया 5000 लूंगा। हार्टलेस। 500 रुपये। मिशन ब्लैकआउट। ये बिल्डिंग के जितने भी बल्ब है ना सब निकाल देता हूँ। ऐसा भी कहूंगा रोज दे पे इसका ध्यान। अच्छा एक बात बता परिमल, ये ग्रीन टी और सैलेड वाला आइडिया तेरा था ना पैसे बचाने के लिए? पक्का तेरा था ना? अरे भाई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तू खा आराम से खा। स्वीटी का स्पेशल डाइट है, स्पेशल। हेलो एवरीवन, ये तो कबीर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? मैंने। Excuse me? Kabir! Oh my God! I'm so happy! Oh my God! This is my favorite song! You remember? Kabir, so sweet! Rupal, I remember all your things. Go, go! बाद में! मुझे भी इसकी सारी बातें याद है। ये कॉलेज में 10 दिन तक नहाता नहीं था। नहीं नहीं परी, सिर्फ 10 दिन नहीं, 25 दिन तक बिना नहाए डीओ लगा कर रहता था ये। वैसे छोड़ो ना इनकी बातों को। मैं क्या बोलती थी, एक्चुअली कॉलेज टाइम की ना मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कॉलेज में तुम्हारा और स्वीटी का अफेयर था? कुछ कह रहा है? मेरी भी थी एक सैड हिस्ट्री। मैं था नन्ना सा पौधा और वो थी मोटी छोटी टैनी एंट्री। मोटी वैसे रूपल, बैंगलोर से मैं खास तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। और तुम यहाँ पर आए हो ना तो आप पार्टी खत्म करने के बाद ही तुम यहाँ से जाओगे। ठीक है। इग्नोर कर रहा है, मैं भी उसे इग्नोर करूंगी। एक काम करो परी, तुम मेरी तरफ अटेंशन दो। हाँ? अरे क्या, वो रूपल की तरफ कितना अटेंशन दे रहा है उसका क्या? देखो इतना क्या मजा आ रहा है।